पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होके आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमको इकट्ठा किया है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। आइए हम परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और मैं ये चार पद को आपके मुंह में डालने के लिए चाहता हूं। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। इस पद को आप अपना दिल में उतारने लायक हमारे साथ अगर आप गाएंगे तो अच्छी बात होगी, अन्यथा आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू प्रभु। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजरों में तू ही तू, मेरे होंठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जा यीशु, जा यीशु, जी ऐसे ही होने पाए यीशु मसीह के मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बैठ जाएं। मैं एक खास विषय को आपके सामने रखने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया। प्रभु यीशु मसीह के जितने लोग जानते हैं, जो विश्वास में आए हैं, जो अपने आप को यीशु मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा के द्वारा उससे वाचा बांधे हैं, जो उसके आत्मा का मुहर को पाए हैं, उसका एक धन्य आशा है, हमारा प्रभु लौट आएगा। हालेलुया। ये संसार में दुख है, ये संसार में पीड़ाएं हैं, ये संसार में दर्द है, ये संसार में दबाव है, लेकिन एक दिन प्रभु हमें अपने संग रखने के लिए ले जाने के लिए वायदा किया। प्रभु ने कहा, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा दिल घबराने नहीं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करके फिर आके तुम्हें ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूं। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठा के धन्यवाद कहें, हालेलुया। इसको बाइबल बतलाती है धन्य आशा, ब्लेस्ड होप, बहुत बड़ी धन्य आशा। और अन्य लोग जो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का उद्धार के अनुभव में नहीं आए हैं, उनसे पूछेगा, भैया आपका आगे क्या उम्मीद है, क्या आशा है? वो बोलेंगे मालूम है नहीं। कोई कहेगा मैं बीते जन्म में कुत्ता था लेकिन अभी मनुष्य बन गया हूं, आगे बैंस बनूंगा या क्या बनूंगा मुझे मालूम नहीं। या कुछ लोग कहेंगे अरे मरने के बाद क्या, कौन जाने, हम दहने रहेंगे बाएं रहेंगे, पता नहीं है। और कुछ भाई लोग कहेंगे मेरा माता पर पहले लिख करके बेक फेंका गया है, इसलिए जगनम में जाएंगे जन्नत में जाएंगे, मालूम नहीं है। लेकिन आज मसीह यीशु में पाया जाने के चलते हमारे लिए एक धन्य आशा है, मेरा यीशु बादलों पर आएगा, मुझे ले जाएगा जहां आनंद ही आनंद है, जहां वो वर्तमान है। परंतु बाइबल के अंतर्गत में अगर प्रभु के साथ रहने के लिए आपको मन करता है, अगर परमेश्वर के संग रहने के लिए आप चाहते हैं,
आप एक अवश्य बात को जानना जरूरी है, चाहे आप कोई भी क्यों न हो, जितना परमेश्वर का वचन जानते भी क्यों न हो, मैं आपको समझाने के लिए बहुत सरल भाषा में मैं उन वचनों को दिखाने के लिए मैं चाहता हूं। बाइबल ये आश्वासन हमें देती है वो ये है, हम जो जीवित है उठा लिए जाएंगे, जो मसीह यीशु में मरे हैं वे भी जी उठेंगे, हम मिलके प्रभु से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। सारे वचन को बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन कुछ वचनों को आपके समझ के अनुसार मैं बतलाने के लिए चाहता हूं। और पुराना नियम में दो जन मरे नहीं है, पुराना नियम में अगर आप देखेंगे दो पवित्र जन की मृत्यु नहीं हुई, और एक का नाम है हेनोक और दूसरा का नाम है एलिया। बाइबल बतलाती है एलिया को परमेश्वर ने अग्निमय रथ में उठा लिया, और हेनोक के बारे में बाइबल बतलाती है वो परमेश्वर के संग 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 चलते रहा। अपना 65 वर्ष के उम्र से लगभग 300 साल परमेश्वर के संग संग चलते रहा, और एक दिन अलोप हो गया, परमेश्वर के साथ चला गया। एक बच्ची अपना संडे स्कूल से लौटी थी, जब लौटी थी मम्मी ने पूछा संडे स्कूल में क्या सिखाया गया बेटा, क्या सिखाया गया है, वो बोलने लगी अपनी बचपना की आवाज में, ये बोलने लगी एनोक एनोक नाम करके एक दादा था, वो परमेश्वर के साथ रोज वॉकिंग करता था, टॉकिंग करता था, चलता था, बातचीत करता था, चलता था, बातचीत करता था, वॉकिंग एंड टॉकिंग एंड वॉकिंग एंड टॉकिंग वॉकिंग टॉकिंग। एक दिन परमेश्वर से ऐसा बातचीत करते करते चलते रहा, बड़ी अंधेरा हो गया, परमेश्वर ने कहा मेरा घर नजदीक है, ये लोग चले जाओगे, तो दादा उनके साथ चला गया। हालेलुया, ये बात सच है, जो परमेश्वर के संग संग चलने के लिए अपने को सौंपे हैं उनके जीवन में ये निश्चय है कि हम एक दिन नीले आसमान के पार जाएंगे जहां मेरा प्रभु वर्तमान है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हम मिलेंगे बादलों पर, और ये संसार हमें ताकते रहेगा, परंतु आज हम दुख भरी जगत में हैं, शायद आंसुओं की तराई में चलते होंगे, शायद हमारे जीवन में नाना प्रकार की मुसीबत आता होगा। मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु आज भी चंगा करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है आज पीठ का दर्द कल पेट का दर्द में बदल सकता है। हेलो, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब तक ये संसार में रहेंगे कुछ ना कुछ बातें आपके जीवन में होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, भले आपको एक जबरदस्त आप चमत्कार को पाए होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए होंगे, परंतु उससे तृप्त नहीं होना, ये मरणहार शरीर में दूसरी बीमारी दूसरा दिन आ सकता है। एक आदमी मैं जानता हूं कैंसर से प्रभु ने उसको छूया, डॉक्टर जवाब दे दिया था, प्रभु ने उसको दर्शन देके उसका चंगा किया, लेकिन फिर आगे जो है एक छोटा सा पत्थर में टेस लेके गिर के मर गया। इसका मतलब हम विपत्ति से भरी हुई संसार में हैं, परंतु हमारे एक धन्य आशा है, हम प्रभु के साथ सदा जीने के लिए, अनंत काल तक जीने के लिए उसके साथ रहेंगे। और इस बात को दिखाने के लिए जीवित है लोग भी बदल जाएंगे करके जब बाइबल बतलाती है, उसके उदाहरण में दो जन को हमारे सामने परमेश्वर ने रखा जिसका नाम मैंने लिया, और उसमें एक जन के बारे में हम थोड़ा बहुत समझने के लिए कोशिश करेंगे, उसके पहले क्या शर्त परमेश्वर के वचन में पाते हैं। मेरे साथ खोलिएगा इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, इस इब्रानियों की पत्री उसके 11वां अध्याय वहां 5वां पद को हम पढ़ के देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 5वां पद मैं पढ़ रहा हूं। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखें, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। प्यारों, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं,
आप इन बातों से अवगत रहने का आवश्यकता है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, किसी भी बात से आप गुजरते हो, तो आपको इस बात की आवश्यकता। यहां पर उस वचन को मैं फिर पढ़ने के लिए चाहता हूं, लेकिन पढ़ने के पहले एक छोटी सी घटना को मैं कहने के लिए चाहता हूं। मैं नेपाल में नारायणपुर नाम करके एक जगह है, और उस जगह में प्रचार करने के लिए जब गया था, उस कलिसिया में एक फोटो टांगा हुआ था, उसमें फोटो टांगा हुआ था, मैं उस फोटो को देख रहा था। वहां का पासवान आके कहने लगा, भैया इसकी कहानी मालूम है, जब नेपाल में स्वतंत्रता नहीं थी, हम लोग दो जन मिलके प्रार्थना करना मुश्किल सा इस क्षेत्र में, इसलिए लेकिन हम लोग 22 लोग जंगल में जाके पेड़ों को काट के अपने ऊपर डाल के, ताकि कोई ऊपर से ना देखे, इधर से नहीं देखे, जंगल में दुआ करते थे। एक दिन हम लोग गए, लेकिन 22 लोग हम लोग गए थे, लेकिन उसमें एक आदमी नहीं मिला। एक हफ्ता खोजे, एक महीना खोजे, शायद इधर उधर कहीं छिपा है, कहीं जंगली जानवर तो उसको खा लिया करके, लेकिन मालूम हुआ हम लोग प्रार्थना करते 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 वो उठा लिया गया है। इसलिए उसका फोटो यही है करके एक आदमी का तस्वीर को दिखाया। मैं बहुत आनंदित हुआ कि आज भी प्रभु अपने साथ साथ चलने वालों को आलोप करने का ताकत रखता है। लेकिन बाइबल के अंदर आधार पर मैं उन बातों पर जोर देने के लिए चाहता हूं इस सुबह के समय जब आराधना करने के लिए आए, ताकि आप अपने को जांच के इस मेज में भाग लें, क्योंकि बाइबल बतलाती है इस मेज में, परमेश्वर के इस मेज में, प्रभु भोज में भाग लेने के पहले अपने आप को जांच लो, अन्यथा ये आशीष का कारण नहीं रहेगा परंतु दंड का कारण हो सकता। इसलिए अपने आप को जांचने के लिए, मैं और आप अपने जीवन को जांचने के लिए, परखने के लिए, इन वचनों के प्रकाश में से मैं कुछ बातों को आप तक पहुंचाने के लिए चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर उस पांचवां पद को पढ़ रहा हूं। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखें, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अगर आप मेरी बात को मानने के लिए तैयार है, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, उठा लेने के लिए तैयार है आप? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। मैं थोड़ा परेशान करने वाला हूं, बिहार का हूं, इसलिए बिहार के लोग थोड़ा परेशान करते ही हैं। दहने वालों से पूछ ले तो बाएं वाले से पूछ लीजिएगा, क्या आप उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं? ना भैया, अब ये घर बनला, अब ये घर बना है, थोड़ा दिन के बाद जाएंगे, अगर प्रभु यीशु आएगा, जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई कह रहा पीछे, अब ये मेरे शादी तय हुआ है, अरे शादी करके जाएंगे। बाइबल बतलाती है, रात हो शाम हो, कोई भी वक्त मेरा प्रभु आने के लिए रास्ता तैयार है, मेरा प्रभु आएगा, ये हमारा विश्वास है, वो वायदा पर पक्का रहता है, मेरा यीशु आएगा। एक सच्चे दुल्हन कहती है, आ प्रभु यीशु जल्दी आ। परंतु बाइबल यह साफ बतलाती है, हेनोक उठा लिया गया, हमारे लिए एक नमूना दिया गया, एक नक्शा, एक पिक्चर दिया गया है कि हम भी उसके समान उठा लिए जाएंगे। परंतु उठा लिए जाने के पहले उसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया। हालेलुया, इस बात पर हम थोड़ा गौर करने जा रहे हैं। भाई यहां कई पासवान लोग आके गवाही दिए, राजस्थान से आया हुआ बादी या पंजाब से आया हुआ लोग, और अन्य जगह से लोग आके गवाही दिए। हम तो चर्च में गवाही देने का आदत रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए चाहता हूं, क्या आपके बारे में परमेश्वर गवाही देगा? हेलो। बहुत लोगों का शक है, हम तो दे रहे हैं, हम तो परमेश्वर के लिए गवाही देंगे, लेकिन क्या मेरे जीवन के बारे में, मेरे जिंदगी के बारे में परमेश्वर गवाही देगा कि नहीं, इसके ऊपर आपको ख्याल करने का आवश्यकता है। एक और
वचन के ओर मैं आपका ध्यान ध्यान को क्या आकर्षित करने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा अय्यूब नाम के एक पवित्र जन की पुस्तक में से अय्यूब की किताब उसका 16 अध्याय का 19वां पद को पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब उसका 16 अध्याय उसका 19वां पद में अय्यूब का कहना यही है, उसको थोड़ा देखेंगे। और अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। सुनिए, ये आप और हम बहुत ध्यान से खाने का आवश्यकता है। क्या अय्यूब को कहां कहां से गवाही मिला है उसको मैं पहले बतलाने के लिए चाहता हूं, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्यों उसकी इंतजार यही है। मेरा पक्का गवाही देने वाला परमेश्वर है, मेरा गवाही ऊपर करके कैसा कहता करके। बाइबल बतलाती है, अगर अय्यूब के दूसरा अध्याय का 9वां पद को पढ़िएगा, वहां पर उसकी पत्नी उसके बारे में गवाही देती है। क्या गवाही देती है? अय्यूब उसका दूसरा अध्याय का 9वां पद को पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू आप भी अपने खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। सुनिएगा सुनिएगा, ये पत्नी कौन है मैं पहला थोड़ा बतलाऊंगा, उसकी बातों को थोड़ा सा देखेंगे। अपनी उसकी पत्नी अय्यूब की पत्नी उसके बारे में क्या गवाही दे रही है मैं देखना के लिए चाहता हूं। ये पत्नी 10 बच्चा की मां है। हेलो, 10 बच्चा की मां है। पूरा धन दौलत जब जरूर सब कुछ था और गुम गुम के बोली डार्लिंग 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 करके घूमते आई। अभी एक ही दिन में 10 बच्चे मर गए और सारे संपत्ति लूटा गया, सब संपत्ति सत्यनाश हो गया। अभी साथे साथ अय्यूब के ऊपर से लेकर नीचे तक गांव से भरा हुआ है, उसका हालत गंभीर है, बीमार है। अभी हबी डार्लिंग शब्द नहीं आया है, मर जाओ ना रे, खत्म हो जाओ, सुसाइड कर लो, त्याग दो अपने जीवन को करके चिल्लाने वाली ये पत्नी। दुनिया ऐसी ही है, जब पैसा रहेगा सब बहुत अच्छा प्यार करेंगे, जब तंदुरुस्ती रहेंगे तब सबको साथ देंगे, जब धन दौलत रहेगा दोस्तों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन जब सब छूट जाएगा पत्नी तक छूटने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बाइबल में अगर पढ़िएगा 9 महीना के बाद, मुझे समय नहीं है सारी बातों को समझाने के लिए, 9 महीना के बाद फिर परमेश्वर ने उसको चंगा किया, परमेश्वर ने उसको दुगुना धन दिया और अभी आ गई है। फिर धन आने से वो फिर आ गई है और बाइबल बतलाती है फिर 10 बच्चा का पैदा की। बाप रे बाप, हालेलुया। इसका मतलब अच्छे रहेगी तो साथ देगी, अगर नहीं हो नहीं साथ देगी। वो उलटने वाली पत्नी भी कह रही है अय्यूब तू खराई पर चलने वाला है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आपसे पहले पूछने के लिए चाहता हूं, आप मेरे बारे में अगर जानना चाहते हैं, सफेद कमीज तो पहना हूं और जबरदस्त बोलता हूं, वचन से तो बोलता हूं, अगर मेरे बारे में सुनना है मैं अपने पत्नी का नंबर लगा के दूंगा, उससे पूछिएगा आदमी घर के अंदर कैसा है। मंच पर तो बहुत जबरदस्ती बोलता है, मंच पर तो बहुत कुछ करता है, मंच पर तो ये नाटक भी करता है और हल्लेलुया कहेगा, परंतु अगर मेरे बारे में सही जानना है तुमको आपको मेरे पत्नी से पूछना है तुम्हारा साहब कैसे है। हेलो हेलो, एक दिन मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, मेरा अढ़ाई साल का मेरा तीसरा बेटा वहां पर कुछ मम्मी से थोड़ा गुस्सा करके बोल रहा था मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि अंडा दे रही थी, पूछ करके दो रही थी। मेरा बेटा बोलने लगा नहीं मुझे मन नहीं करता करके, अढ़ाई साल का था,
तो मैंने कहा सुनो ऐसा जिद्दी करोगे पापा कहीं भी तुमको नहीं ले जाएंगे। वो कुर्सी से उतरा, अपना दोनों हाथों के पीछे खड़ा करके वो बैठ रख के बोलने लगा पापा आप भी यीशु मसीह से जिद्दी करेंगे आपको यीशु मसीह कहीं नहीं ले जाएगा। तो मैंने कहा मैं कहां जिद्दी करता हूं बेटा, बीते हफ्ता मम्मी अंडा दे रही थी आपने कहा नहीं खाऊंगा, आपको अंडा दे रही थी आपने कहा मुझे भूख नहीं लग रही है, मम्मी बोली मैं बना ली हूं इसलिए खा लीजिएगा, लेकिन आपने खाए बिना चला गया आप। मुझे लगा एकदम बाप रे बाप, मैंने एक बार कुछ काम के वजह से जल्दीबाजी में जाने के लिए चाहा इसलिए बैठ के खाने के लिए मन नहीं था, मेरा बेटा ख्याल से देखता है और मुझे अनुकरण करता है और मेरे ऊपर टिप्पणी करता है। आप नहीं जानते होंगे घर के अंदर आपकी गवाही क्या है, मैं कई लोगों के घर में जाता हूं, मैं उनके घर के स्थिति के पहचानने के लिए छोटे बच्चे को बुला के तू धीरे से पूछने से पूरा पूरा कहानी घर का कहानी मम्मी कैसा मारती है पापा को ये बोलते हैं क्यों मारते हैं बोलता है। लेकिन विश्वासी बाहर कलीसिया में आके एकदम एंजल जैसा कड़ा होके मैं गवाही देने के लिए चाहता हूं करके कहते हैं, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर गवाही कैसा है। हालेलुया, अय्यूब घर के अंदर एक सही गवाही को रखा था, खरा आदमी है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। ठीक है, अय्यूब अगर घर के अंदर गवाही पाया है या बाहर की उसकी गवाही क्या है देखेंगे। चार अध्याय का छह पद में क्या लिखा है, चार अय्यूब की किताब चार अध्याय का छह पद में, उसके दोस्त लोग चार दोस्त उसकी दुख की बातों को सुनते हुए आए उसको तसली देने के लिए। जब तसली देने के लिए आए वे सात दिन तक चुप रह गए, इतना भारी दुख में पड़ा है। किसी आदमी का 10 बच्चे थे, 10 बच्चे एक ही साथ अगर मर जाए, अगर किसी आदमी की संपत्ति एक ही दिन में लूटा जाए, अगर किसी के शरीर में पूरा बीमारी है, उसके दोस्त लोग आए चुप लगा के बैठे हैं 7 दिन तक बैठे हैं। और वही दोस्त लोग जो टिप्पणी करने के लिए आए, जो खंडन करने के लिए आए, जो उनके विरोध में बोलने के लिए आए, वो भी क्या कहता है छठवां पद में, क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। मैं पूरी बातों को नहीं लेने के लिए चाहता हूं, तेरी चाल चलन जो खरी है, न केवल घर के अंदर गवाही, बगल वाले के मुंह से आपके बारे में, आपके दोस्तों के मुंह से, आपकी मोहल्ला के लोगों के विरुद्ध, आपके काम करने की जगह में आपकी गवाही क्या है। हेलो, चार दीवार के अंदर गवाही देने अच्छी बात है, लेकिन कई जगहों में मसीह विश्वासी के बारे में अगर पूछेगा कंपनी में ये कैसा रहता, अरे बुकला काम चोर है, आता इधर उधर बकवास करता, बाइबल लक्का हाथ में लेकिन काम ठीक से करता नहीं है, और ऑफिस में काम करने वाला, अरे साहब ये तो आता है फिर नापत्ता हो जाता है, फिर शाम को फिर चाय पीने के लिए चले आता है। What a bad testimony in the workplace। आपके काम करने की जगह में आपके बारे में क्या लोग रख सकते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का दास है, अपना काम में अपना चाल चलन में खरा है। भाई बहन, अगर हिंदुस्तान के अंदर अन्य लोग प्रभु यीशु मसीह के प्यार से आकर्षित होना है, तुम्हारे चाल चलन को तुम्हारा पड़ोसी देखता है। क्यों हमारे मसीहत इस प्रकार जिस प्रकार जबरदस्ती के साथ प्रचार करने के बावजूद भी, हमारे पास पक्का सच्चाई रहने के बावजूद भी बढ़ता नहीं है। कारण है सब लोग कहेंगे मसीह ठीक है लेकिन मसीह लोग ठीक नहीं है। हेलो, गांधी जी ने कहा I love Christ but I don't love Christians। मुझे तकलीफ होती है मसीहों की बातें, मसीहों की जीवन चाल चलन। आज मैं सुबह के आराधने में आए हुए सब भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा,
तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारी रहन सहन से लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तुम्हारा पड़ोसी क्या कहेंगे, ये मसीह यीशु को ग्रहण किया है। मैं एक गवाही को आपको देने के लिए चाहता हूं। मैं तो बिहार में ऐसी जगह में सेवा करता हूं जहां नक्सलाइटों से ग्रस्त इलाका में हम सेवा करते हैं। एक बार मैं पहाड़ में सेवकाई के लिए गया था। मेरे जिला के अंदर एक छोटी सी पहाड़ है, कैमूर पहाड़। उस पहाड़ में सेवा करने के लिए गया। उस पहाड़ में 127 ब्लॉक उसके ऊपर कब्जा रखने वाला एक व्यक्ति, उसका नाम सुशील। सुशील के नाम से लोग डरते थे, आतंकवादी नक्सलाइट का लीडर। और उसने मेरे सेवक के द्वारा एक गवाही भेजा था, मेरा एक खबर भेजा था, आपका अगुवे से हम मुलाकात करना है। मैंने कहा मैं तो ऊपर एक काम के लिए जा रहा हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। उसने कहा 2 घंटा उससे बातचीत करना है। तो मैंने कहा 2 घंटा तो नहीं दे सकते, 45 मिनट दे सकते हैं। तो उसने राजी हुआ। उसने हमारे सामने कुछ तीन शर्तों का लगाया। एक है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ना तो किताब रहना चाहिए या कुछ भी रहना चाहिए, खाली हाथ आना चाहिए। आपके घर वाला भी नहीं जानना है कि आप मेरे से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, और फलाना जगह में हम मुलाकात करेंगे करके एक जंगल के बीच में एक पेड़ के तले वो मुलाकात करने के लिए बातचीत की। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैं जब उसे बेंट करने के लिए गया था, वो वहां पेड़ के तले खड़ा था, मैं और कोई नहीं, पूरा जंगल भर में कोई और को मालूम नहीं। मेरा सेवक भाई जो मुझसे उसने खबर लिया था उसको मालूम है इसी पेड़ के लिए। जब मैं जाके मैं भाईचारा के प्रेम से मैंने उसको गले लगा के, कैसे भाई तब्बे मत, मुझे मालूम है 2 बंदूक पीछे लटका हुआ दो बंदूक AK-47 पीछे लटका हुआ है। मैंने उसके गले लगाया और उसको नमस्कार किया। वो खा रहा, अभी इशारा कर रहा, जाओ 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 जाओ। मैंने कहा आपने 2 घंटा मांगा, मैं 45 मिनट दिया, अभी आप भगा रहे हैं। मैंने सोचा कहीं इसको खबर आ गया होगा, पुलिस को मालूम हो गया है, इसलिए वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा क्यों आपने, तो वो बोलने के लिए उसके पास शब्द नहीं रहा। बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके पास शब्द नहीं रहा। और जब शब्द नहीं रहा मैं चले आया। एक हफ्ता के बाद मुझे सुनाई पड़ा कि हमारा सेवक भाई से उसने कहा, कैसा आदमी है बाबू, उसने मेरे ऊपर हाथ लगाते मेरा मुंह बंद हो गया। ओ, तब मेरा सेवक ने कहा वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, इसलिए तुमको बोलने के लिए ताकत नहीं रह गया। तो उन्होंने पूछा पवित्र आत्मा कौन सी होता है। तो हमारा आदमी ने उस नया नियम के दिया, नया नियम पढ़ते पढ़ते वो प्रभु को पूरी तौर से जान लिया। और यहाँ एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, 4 संगठनों का इकट्ठा होके लोग साइलेंडर लचा रहे थे, हम लोग मिल के कैसा काम करेंगे कैसा। उस समय सब अगवे लोग बीच में खड़ा होके कहने लगा, सुनो यार मुझे मालूम हो गया, बंदूक से नहीं प्रभु यीशु मसीह से ही इसमें परिवर्तन आएगा। हम बंदूक से लोगों को मारते हैं, लेकिन जीवन देने वाला ये कि यीशु है करके उसने अपने अगुओं के बीच में 4 संगठन के लोगों के बीच में खड़ा होके कहने लगा। तो लोगों ने सोचा रे ये तो यीशु मसीह का हो गया है। इसलिए क्या किए, ये मछली बहुत पसंद करता है दोपहर के खाने के समय, और इसको वहां के गुप्त बातें सारी बातें मालूम है, इसलिए रात के वक्त में उन्होंने उसमें जगर डाल के उसको खिला दिया। ये मछली बहुत पसंद करता था, इसलिए खा के पीला एकदम नीला रंग का हो गया, सिर से लेकर बेहोश हो गया, गिर गया। लोगों ने सोचा पूरा मर जाएगा, उसको उठा के नदी में फेंकेंगे। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ आए हुए लोग गवाह हैं। अगर आपको तकलीफ है आप मेरे साथ बिहार चलिए, उस आदमी से बेंट कराएंगे। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, जब बेहोशी हालत में कई समय तक रह गया, उन्होंने उठा के सोन नदी में डाल दिया। सोन नदी में पानी में बहते बहते तट पर आया,
वहां पर उसको जरा सा होश आया, उसने कहा यीशु करके चिल्लाया, उसका जगर सिर से लेकर पांव तक चला गया, उठ के भागा। रात में 10:30 बजे मेरा घर खटखटा रहा, खटखटाते कहने लगा भैया जी यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा। मैंने कहा रात को 10:30 बजे आके खटखटाते, यीशु जिंदा कह रहा। मैंने पूछा क्या हुआ, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, 2 साल उसको मुझे छिपा के रखना पड़ा। मैं पुलिस से भी कहा हूं इसलिए यहां भी कह सकता हूं, 2 साल तक उसको छिपा के रखा, खोज रहा था पुलिस, बिहार पुलिस खोज रही थी, बीबीसी में उसके बारे में बताया गया था, इसके सिर के लिए इतना पैसा रखा गया करके। लेकिन फिर एक बार मुझसे मुलाकात करने के लिए आया, पुलिस उसको पकड़ के उसको जेल में डाला, 12 साल तक जेल में रहा, उसके परिवार को मुझे संभालना पड़ा। और 12 साल जेल में रहने के बाद बेल हुआ, और आके 1 साल हमारा बाइबल कॉलेज में पढ़ा, अभी भी बेल में है, 1 साल बाइबल कॉलेज में रहा, और उसको मैं मद्रास ले गया था। मद्रास में हमारा गेस्ट हाउस में वहाँ ठहरने के लिए, वहाँ गेस्ट हाउस के इंचार्ज उनको खोज रही थी, मिला नहीं, 1/2 घंटा तक गायब है, पता नहीं। तो हमारे जो इंचार्ज थी वो घबरा गई, कहाँ से ये नक्सल आदमी है, यहाँ कहीं मिल गया क्या क्या करके सोचने लगी। 1/2 घंटा के बाद वो बाल्टी और झाड़ू लेके आ रहा था, उसने कहा दीदी यहाँ का जितना शौचालय है सब थोड़ा गंदा था, मैंने अपने हाथ से उसको साफ करके चले आया, इसलिए देरी हो गया। जो 127 ब्लॉक के लिए कंट्रोल करने वाला, जब वो नक्सलेटों का अगुआ था, उसके पास उसके कप्तान लोग, उसके कैप्टन लोग नजदीक आ नहीं सकते थे, 3 राउंड का बंदूकधारी उनके साथ उनको रक्षा कर रहे थे। ऐसा आदमी जब यीशु मसीह में आया, नरम और नम्र होके हाथों से शौचालय को साफ करने का स्वभाव उसके अंदर आया, और जो इंचार्ज थे वो बोलने लगे अभी मैं जानता हूं यीशु मसीह के पास आने वालों का चाल चलन में परिवर्तन है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं इस सुबह के घड़ी, आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा हे परिश्रम करने वाला मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ये वचन को सब कोई जानते हैं। लेकिन तुरंत प्रभु ने कहा मेरे जुआ को अपने ऊपर ले लो जो नम्र मैं दीन हूं। लेकिन हम यीशु मसीह में आने के बाद हमारा नम्रता, हमारा प्रेम, हमारी बातें कैसा है, आपका गमन टूटा है कि नहीं, बगल वाला से पूछ लीजिए आपका गमन टूटा है कि नहीं, बोलिए ना, पूछे ना, 4 पैसा नहीं रखेगा थोड़ा सा कालर उठा के चलेगा। कोई कोई पास्टर लोग भी अगर थोड़ा सा अच्छा सा काम हो जाएगा बोलेगा हमने इतना किया इतना किया, अरे क्या किया है ज्यादा से ज्यादा 4,000 लोगों का बपतिस्मा लिया होगा बस, वो तो पत्रस ने एक ही दिन में दे दिया था तुम इतना साल सेवा करके 3,000 को दिया, पत्रस ने तो एक ही दिन में 3,000 को दिया था, क्या बड़ा काम किया, क्या सीना टांग के चलते हो, गमन छोड़, लोग जाने हैं, यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह को दिखाने के लिए जीवन बिता रहे हैं। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हमारा पड़ोसी समझे हम कौन हुए हैं, हम यीशु मसीह में आने के चलते खेले में पैसा की बढ़ोतरी होगा हुआ करके अगर आप खाएंगे आप मूर्ख का काम करते हैं। मुकेश अंबानी के पास 26 तल्ला का मकान है, 3-3 हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ सकता है, क्या यीशु मसीह के पीछे चलने से उसके पास पैसा आ गया, नहीं। पैसा से नापो मत, तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे आत्मिक फलों को देखे हैं तब जाने हैं। परमेश्वर में आने के चलते मैं अभी जिंदा नहीं रहा, मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया, इसको दुनिया देखने की आवश्यकता है, मेरी भक्तों में, मेरे विचारों में, मेरे चाल चलन में, मेरे कामकाज में एक सफाई, एक शुद्धता दिल और दिमाग में, एक पवित्र है, क्योंकि बाइबल बतलाती है जो पवित्र है वही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, न केवल अय्यूब को घर के अंदर गवाही था, घर के बाहर भी उसके बारे में लोग खराई में चलने वाला व्यक्ति कहते थे। अभी पूछेंगे उसके शत्रु से पूछेंगे, पहला अध्याय अय्यूब का पहला अध्याय उसका 9वां पद में यूं लिखा है, 9वां पद में यूं लिखा है, पढ़िएगा,
शैतान ने यहोवा को शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के सामानता है? ये जरूर गवाही देता है, क्या गवाही देता है, उसका कारण कुछ बतलाता है, परंतु गवाही देता है अय्यूब परमेश्वर का भय खाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु तो हमारी अच्छी बातों का कभी कहेगा नहीं, हमारे पास कितने भी अच्छी गुण रहेगा, हमारा शत्रु दुश्मन कुछ ना कुछ त्रुटि पकड़ने के चक्कर में रहेगा, वो अच्छे गवाही नहीं दे सकता। शैतान भी गवाही देता है, उसका शत्रु भी गवाही देता है, उसका मित्र भी गवाही देते हैं, उसका पत्नी भी गवाही देती है, लेकिन इन सारी बातों से अय्यूब तृप्त नहीं, वो कहता मेरा गवाही ऊपर है। हालेलुया, इस सभा में आए हुए, इस आशीष की सभा में आए हुए सारे लोगों से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, आ जाओ घर और घुटना में आके पूछो, प्रभु मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में कोई आपके बारे में तो मैं बहुत कुछ बोलता हूं, जिंदा है, चंगा करने वाला है, आने वाला है, फलाना है, टिकाना है, मैं तो बोलता हूं, लेकिन आप मेरे बारे में क्या गवाही देते हैं? इज देयर अ राइट टेस्टिमनी फ्रॉम द लॉर्ड? क्या आपके बारे में परमेश्वर गवाही दे सकता है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे बेटा है, जिसका चाल चलन नम्रता के साथ, दीनता के साथ, घमंड से बाहर होके बड़ी प्रेम के साथ जीवन बिता के दुनिया के, ये यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, आप अगर केवल यीशु मसीह ज्योति कह के खा नहीं सकते भैया, आपके ज्योति में लोगों को चलने का आवश्यकता है, इसको भूलिए मत। इसलिए अगर आप उठा लिए जाने के चक्कर में रहते हैं, अगर उठा लिए जाने के आशा में रहते हैं, इस संसार को दूर को फेंक के, इस संसार को दुख से दूर होके परमेश्वर के साथ रंगने के लिए आपने अपने को सौंपा, आप इस बात को विश्वास कीजिए, हे प्रभु जैसा हनोम को गवाही मिली है तेरे तरफ से, मुझे भी मिलना है, मुझे भी मिलना है, मेरे लिए भी एक गवाही मिलना है। ठीक, मैं जल्दी जल्दी में आपको कम से कम तीन बातों के ऊपर आपकी गवाही की आवश्यकता को मैं वचन से दिखाने के लिए चाहता हूं, कम से कम तीन बातों में आपके बारे में परमेश्वर गवाही देने के लिए चाहता है। पढ़िएगा रोमियो उसका आठवां अध्याय, रोमियो उसका आठवां अध्याय में पौलुस सुंदर ढंग से ये कहता है, पढ़िएगा रोमियो की पत्री उसका आठवां अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे और 16 पद को पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। 16 पद को पढ़िएगा, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है। ध्यान से सुनिएगा, मैं 16 पद को फिर से कहने के लिए चाहता हूं, फिर 14 पद में थोड़ा आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, पहले आपके बारे में पवित्र आत्मा ये गवाही देना है आप परमेश्वर का संतान है। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग लगभग 3,200 बच्चों को पालते हैं भिन्न भिन्न जगह में, बिहार के अनेक अनाथ बच्चों को, अनाथ बच्चे जो पोलियो ग्रस्त है, जो विभच्छारणियों को पैदा किए लेकिन आवारा घूम रहे हैं, ऐसे बच्चों को लगभग 3,200 बच्चों को पालन पोषण करते हैं। मैं खुद अपने बारे में कहूँगा, मेरे 6 बच्चे हैं, तीन बच्चों को मैं अपना गोद लिया, 3 लड़की है, 3 लड़का है और 1 लड़का गोद लिया हुआ है, और 2 लड़की जो है अभी हमारे पास है जिसको गोद लिया, उसकी कहानी आपको बतलाएंगे तो आपको मालूम होगा हमारे सेवकाई क्या है। मेरा दूसरा लड़का अभी शादी करके उसका एक बेटा भी हो गया है, MBA पढ़ा है
और हमारा अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी कर रहा है, प्रभु के सेवकाई के रूप में उसको कर रहा है। और उसकी माँ उसकी पाप की क्षमा के लिए नदी पर उसको फेंकने पर थी, जब मुझे मालूम हुआ मैंने उसका हाथ से चुन के उसको मैं अपना बेटा बनाया। मेरे चार बच्चे थे, मेरा चार लड़कों को गोदी लिया था और तीन बच्चों को हम लोगों ने कूड़ा खाने से उठाया। मेरी आखिरी बेटी को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा, जब एक बेटी को मैंने पाया दूसरा दिन कूड़ा खाना से हम लोगों ने पाया। उस समय तीन बच्चे, फेंके हुए बच्चे मेरे घर में आए थे, कहीं भी फेंकने से लोग हमारे यहाँ पहुँचा देते हैं। मेरी पत्नी 21 दिन तक उन तीनों बच्चों को देखभाल कर रही थी, सोती नहीं थी क्योंकि तीनों को पारा पारी करके दूध पिलाते पिलाते तो सो नहीं रही थी। अचानक बोलने लगी, ये छोटी बहुत छोटी थी, सुंदर थी तो बहुत छोटी थी, और कहने लगी ये बच्चे को हम लोग गोद ले लेंगे। मैंने कहा अभी पोता पोती पाने का समय है, इस समय गोदी लेने के लिए तुम कह रही हो, लेकिन ठीक है मैंने प्रार्थना करके। लेकिन वो 7 साल हमारे साथ रहने के बाद वो प्रभु के पास चली गई। उस दुख के चलते, क्योंकि वो 7वां साल में भी भविष्यवाणी करने वाली थी, उसकी भविष्यवाणियां अभी भी मेरे पत्नी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में जितनी भविष्यवाणियां उसके मुंह से निकला सब पूरा होते हुए देखा, और वो प्रभु के पास चली गई। उस दुख के चलते हम लोग जो हैं आगे बच्चों को लेने के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन तो फिर तीन बच्चे मेरे बर्मा है तो हमारे घर में आए हैं, तो मेरी पत्नी कहने लगी एक को तो हमको लेना है। मैंने कहा तुम्हारा पागलापन यही है, बच्चों के पीछे में लगी रहती है, अभी तुम्हारा उम्र बच्चे पालने का नहीं है, सोलो छोड़ दो। इसलिए वो बच्चे तो मेरे घर में थे, दो बच्चे तो हमारा अनाथालय में चले गए, लेकिन एक बच्चा हमारे घर में था, 10 महीना तक थे वो बच्चा मेरे हमारे साथ, वो बच्ची मेरे साथ थी, तो मैं उसको अंकड़े कहता था, ये अंकड़ है पप्पा नहीं कहता था, लेकिन और लोग आके कहते पप्पा पप्पा कहो। लेकिन 10 महीना जब हुआ, एक लड़की जो जन्म के बाद दूसरा दिन उसकी मम्मी उसको नहीं चाहती थी, उसको रेल पटरी में जाकर रख दी। जब रेल पटरी में जाकर रख दी, वो हिंदुस्तान के रेल के लिए धन्यवाद हो, वो लेट आई गाड़ी, इसलिए लेट आते आते ये बच्चे रुलक के नीचे चली गए, और इसलिए गाड़ी चली गई, मम्मी चली गई, लेकिन बच्ची जो है वहां। लेकिन इसके बीच में 2 आवारा कुत्ता आया, हमारा कुत्ता आके इस बच्चे को खाने लगा। ये कुत्ता तो उसका पूरा बाएं हाथ को खा लिया, दूसरा कुत्ता जो है उसको पांव को खा रहा था। एक गरीब आदमी उधर से आया और देखा कि कुत्ता बच्चे को खा रहा है करके उसको भगाया, और उस खाया आधा खाया हुआ बच्चे को लेके वो एक गंदे कपड़ा में लपटा के उसको ससराम नाम करके, जहां मीरा कुमार जीती थी उसी क्षेत्र के उस अस्पताल में, सरकारी सदर अस्पताल में भर्ती कराई। लेकिन वहां ना तो डॉक्टर रहा ना तो नर्स रही, इसके चलते बच्चे के लिए कोई तो दवाई नहीं दिया गया, कोई भोजन नहीं दिया गया। 2 दिन तक ऐसा रहने के बावजूद मेरी पत्नी को मालूम है, वो जाके ले आके हमारे अस्पताल में ले आई। हमारे अस्पताल में यहाँ से उसको काटना पड़ गया, अम्प्यूट किया गया, और एक हड्डी जो है बाहर था, वो कॉलर बोन कहते हैं, उसको छिपाने के लिए मांस नहीं रहा उसके शरीर में। डॉक्टर लोग चिंतित थे, लेकिन दूसरा दिन हमारी पत्नी, मेरी पत्नी और सब बहन लोग मिलकर प्रार्थना किए, दूसरा दिन उसमें मांस चले आया, अभी वो 11 साल की है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा। उसका एक हाथ नहीं है लेकिन पूरा काम कर लेती है, प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस प्रकार मैं खुद 3 बच्चे को अपना गोद लिया हूं, इसके अलावा 3,200 बच्चों को हम लोग पालते हैं। मैं इस लंबे कहानी करके अपनी बड़ाई को, अपनी महिमा को नहीं चाहता हूं, यह हमारे ऊपर गिरा हुआ एक जिम्मेदारी समझते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसी प्रकार एक वक्त में जब हम शुरू शुरू में इस प्रकार के अनाथालय को चला रहे थे, एक माँ आई, एक बेटा 4 साल का
और उससे दो बेटी बड़ी है, एक 5 साल का एक 6 साल का, रोते हुए आई खाने लगी, भैया भैया मेरा बेटा का कम से कम पाल के दीजिएगा, इन लड़कियों को मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मेरा आदमी बैंस ले जा रहा था, उसके ऊपर बिजली का तार उसके ऊपर बैंसिया के ऊपर गिर गया, दोनों मर गए हैं, अभी मेरे पास कोई जमीन नहीं है, कोई जर नहीं है संभालने के लिए, मैं कैसे कैसे ही संभाल लूंगी इन लड़कियों को, लेकिन कम से कम ये लड़का को आप संभालिए। तो हम लोगों ने तरस खाया, खाने लगा ठीक है भाई, इस 4 साल के लड़के के लिए हम लोग फार्म वगैरह भराए, अब रखने लगे हैं, और वो बच्चा भी सब बच्चे के साथ पूरा अच्छे से खेल रहा था, हम लोग थोड़ा सा चिंतित नहीं रह गए, उसके बारे में ख्याल नहीं किए। मैं किसी काम से बाहर गया, तुरंत एक बाइबल स्कूल का लड़का आके कह रहा, अंकल अंकल जो लड़का नया आया था वो कहां तो चला गया पता नहीं। तो मैंने सब बाइबल स्कूल के लड़कों को इधर उधर भेजा, सब खोजो खाजो, हम तो खोज रहे हैं लेकिन नहीं मिला है। अभी पुलिस के पास जाने के वक्त में मैं मोटरसाइकिल को थोड़ा सा खराबी होने के चलते मोटरसाइकिल को एक मैकेनिक के पास ले गया था। वो मैकेनिक ने पूछा, साहब आपके चेहरा में उदासी कब कभी मैं देखा नहीं, लेकिन आज उदास उदास दिखाई पड़ते हैं, क्या बात है। मैंने कहा ऐसा ऐसी बात है, एक लड़का आया है लेकिन उसको पता नहीं है कि कहाँ चला गया, उसको खोजने में थोड़ा जल्दी बनाइए, पुलिस के पास भी जाना है। उसने कहा मेरे पड़ोसी एक लड़का कल आया है, वो ट्रक का ड्राइवर है, शायद वो लड़का है कि नहीं करके वो अपना घर के लेवल है, वहाँ उस लड़का को देख रहे हैं, उसको उसकी उस ड्राइवर की बेटी हाथ में ली है, उसको दोनों हाथों में मूंगफलियाँ का पैकेट है, और वो क्या हुआ, ये लड़का थोड़ा सा गेट से बाहर निकला, हमारे यहाँ एक जीटी रोड चल रहा था, ये जीटी रोड में जाके किसी ड्राइवर को पैर पकड़ के लो पप्पा, वो ड्राइवर उसको उठाया और उसको मूंगफली करके दिया, ये लड़का ने तुरंत उसको चुम्मा दे दिया, प्यार के चलते एक और पैकेट मूंगफली करके दिया, तो उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो अपना घर ले आया, वहीं पर था। तब मैं उस बच्चा से पूछा, बेटा यहाँ कैसा आ गए हो, उसने कहा तुम मूंगफली करके दोगे तुमको भी मैं पप्पा कहूंगा। कई लोगों की हालत यही है, अगर परमेश्वर देते रहेगा पापा 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 यीशु पापा कहेगा, अगर नहीं देगा तो लात मार गए ईश्वर नहीं है। अरे ये भी ऐसे ही है बखला, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले बोलिए ना, बगल वाला का हाथ पकड़िए ना, खाली से लोग भी बात मानते नहीं क्या, आपकी कहानी तो नहीं चल रही है ना। जब मिलते रहेगा तब पापा पापा कहेंगे, पिताजी कहेंगे, लेकिन नहीं मिलेगा नहीं देगा। हालेलुया प्यारों, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम उसको पिता करके पुकारने का अधिकार पाए हैं, जरूर अब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार पाए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मुझे कहना है ये मेरा संतान है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपके आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा गवाही देना जरूरी है, तब आप परमेश्वर का संतान कहा जा सकते हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है, प्रभु ने कहा मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला नहीं, मेरा पिता के इच्छा के अनुसार चलने वाला ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हम उसको पिता कहने से नहीं, वो मुझे कहना ये मेरा बेटी मेरा बेटा। 14 पद में लिखा जो आत्मा से चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के संतान है, था परमेश्वर का पुत्र है। आपको कौन चला रहा है, पैसा लालच अन्यथा समाज नेतागण, कौन आपको चला रहा है? क्या आत्मा की अगुवाई पर आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं? कुछ निर्णय करने के पहले परिवार के रूप में आके प्रभु हमें अगुवाई करके करके आप इंतजार करते हैं। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से नहीं चलाए जाते हैं आप भूल जाइएगा, परमेश्वर आपको अपना संतान करके बुलाएगा करके, आप कह सकते हैं पापा 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 करके, लेकिन परमेश्वर अगर आपको कहना है अभी आपको हमको ये कहना होगा परमेश्वर ये मेरा संतान है,
मैं हमेशा एक गीत को बहुत पसंद से मेरे लोग बनाए हैं, उस गीत को मैं हमेशा मैं गाने के लिए कोशिश करा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, भक्तों के स्तुति का गान, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। हे पवित्र आत्मा, तोड़ दे मोड़ दे ताजे बनाओ, भरपूर होकर रखते चलूं, तोड़ दे मोड़ दे ताजे बनाओ, भरपूर होकर बढ़ते चलूं, सारे अंगों को नियंत्रण कर ले, सारे अंगों को नियंत्रण कर ले। प्यारों, प्रभु के हाथ में आप अपने को सौंपने का आवश्यकता है। एक एक अंग परमेश्वर के नियंत्रण में होने का आवश्यकता है। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे सोच विचार, मेरे चाल चलन, मेरे पांव, मेरे हाथ, उससे नियंत्रित होने का आवश्यकता है। थोड़ दे, मोड़ दे, ताजे बना दे, भरपूर रह के जीवन बिताना। अन्य भाषा में आराधना करने के समय लोग अन्य भाषा गाते हैं, लेकिन बाहर जाकर और भाषा बोलते हैं। पेंटिकॉस्टल चर्चेस में यही कभी कभी आराधना करने समय अन्य भाषा का, अरे बाहर भी थोड़ा सा उसी परमेश्वर की भाषा का कहो, तब जानेगा दुनिया तुम आत्मा से चला जाते हो। परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए चाहता है। क्या प्रभु आपको देखे कहेगा, मैं इनको अपना संतान बनाया हूं? जरूर बाइबल बतलाती है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। लेकिन उस अधिकार से तृप्त मत हो जाइएगा। प्रभु यीशु जब बपतिस्मा के लिए पानी में उतर रहा था, स्वर खुल गया, ऊपर से पिता ने कहा, ये मेरे प्रिय पुत्र है। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप अग्नि बातों को सोचेंगे, तब स्वर्ग खोलना है, वहां से आपके बारे में गवाही मिलना है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। केवल पुत्र होने के नहीं, प्रिय पुत्र होने के लिए अपने को सौंपिए। दुलार बच्चा परमेश्वर के राज्य में नहीं है, लेकिन प्रिय पुत्र है। देर इज नो buddy who can climb, I'm so dearer to my God, but God says, you are my beloved. प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है इस सुबह के समय। क्या परमेश्वर आपके जीवन को वो नियंत्रित करने के चलते, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह संसार में दिखाया कैसा प्रिय पुत्र का जीवन होता है। उसने कहा, जो कुछ मैं पिता का करता है उसी का मैं करता हूँ, जो वो बोलता उसका मैं सुनता हूँ, उसी को बोलता हूँ। इस प्रकार का जीवन में अपने को सौंपिएगा, तब आप आत्मा में बलवंत होके जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। दूसरी बात मैं कहने के लिए चाहता हूँ, कल रात को मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन अभी उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय, इब्रानियों की 11 अध्याय 4 पद, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई है। बस परमेश्वर आपके दान देने के बारे में भी गवाही देने के लिए चाहता है। हेलो, परमेश्वर न केवल आपके चाल चलन को देख के गवाही देने के लिए चाहता है, आपका देने के बारे में भी गवाही देने के लिए चाहता है। आप लोगों को यह शिक्षा मिलता होगा कि दशमांश देने के लिए, लेकिन मैं उसका विरोधी हूं। मैं दशमांश के ऊपर प्रचार नहीं करता हूं, क्योंकि 10 भाग आपका है, 90 बार मेरा है, करने वाला
झूठा है करके मैं सवों प्रतिशत आपका है कहने वाला ही प्रभु के लिए संपूर्ण तबर से सौंपा है। हालेलुया। न्यू टेस्टमेंट टीचिंग इज नॉट टाइप, न्यू टेस्टमेंट टीचिंग इज टोटल। दसमांस पादरी लोगों का कहना पड़ता है कम से कम तो दसमांस दो बस कम से कम तो इतना तो दो। ये पुराना नियम के लोगों को कटनी के बाद उसमें से दसमांस दो, लेकिन नया नियम में तुम्हारे हाथ में जब वेतन पाते हो कमाई को लाते हो वही बीज है, जितना बोओगे उतना काटो। ये परमेश्वर का वचन है। मैं इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल के आप लोगों को गड़बड़ाने के लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन ये मेरा, मैं इतना जानता हूं प्रथम और पहला परमेश्वर का, प्रथम और पहला, श्रेष्ठ और पहला फल परमेश्वर का। मैं इसको अपने जिंदगी में अपनाते आता हूं। मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं में कभी कमी नहीं रखा। हालेलुया। मैं अपने गवाही थोड़ा सा आपको बतलाऊंगा। मैं एक संस्था का बनाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, जेम्स नाम करके, गॉस्पेल एकोइंग मिशनरी सोसाइटी। इस संस्था का आवश्यकता को कमने हमने कभी भी कहीं भी नहीं कहा। मेरे संदेश आप YouTube में जाइए, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, तमिल भाषा में हो, मलयालम में हो, कन्नडा में हो, आंध्र का तेलुगु में हो, छह भाषा में YouTube में मेरे संदेश को आप देख सकते हैं। लगभग 1200 संदेश आप YouTube में सुन सकते हैं। कहीं भी मैं मेरे आवश्यकताओं को कभी कहा ही नहीं, क्योंकि मैं जब प्रभु के लिए अपने पैर रखा मैंने कहा प्रभु इतना दिन तक मैं कंपनी के लिए काम किया, अभी तेरे लिए काम कर रहा हूं, अभी तू देख ले, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मर भी जाएंगे, मैं किसी के सामने अपने आवश्यकताओं को, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, सेवकाई की आवश्यकताओं के लिए हाथ नहीं पसारूंगा। प्रभु 43 साल तक मुझे इसी में रहने के लिए शक्ति दिया है। हमारा मैगजीन आत्मदर्शन करके हिंदी में आता है, तमिल में आता जन सत्यम करके, अंग्रेजी में आता द कॉल नाम करके, बच्चों के लिए आता प्रभात नाम करके, लेकिन कहीं भी आप नहीं देखिए दान दक्षिणा देने के बारे में। नहीं, अपनी आवश्यकताओं को हम लोग बतलाते नहीं है, यह हमारा निर्णय है। और इसका मतलब हम कर्जा भी नहीं लेते हैं, बैंक का लोन भी नहीं लेते हैं, किसी लोन भी, लोन एक रुपया का नहीं है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं 43 साल जो परमेश्वर ने 3,30,000 इसराइलियों को मिस्र देश में से कनान के ओर बढ़ाने समय संभाला, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, हम उसको चख रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। इस बात को अच्छी तरह से चखे हैं। हमारे आवश्यकता क्या मालूम है, एक एक सेकंड के लिए 200 रुपया, तब भी चलेगा हमारा संस्था, एक सेकंड के लिए 200 रुपया। मैं यहां बोलता हूं 200 रुपया गिनते जाइएगा, लेकिन कहीं कहा नहीं है मेरा परमेश्वर वफादार रहा है, मेरा परमेश्वर वफादार रहा है। मैं क्यों कहता हूं, आप पूछेंगे भैया कैसा पूर्ति करते हैं, इतना मैं जानता हूं प्रथम और श्रेष्ठ उसके देने के लिए सीखा हूं। मेरे भाई लोग है पूछ लीजिए, मैं मुझे संस्था वेतन नहीं दे सकती है, मैं अपने चर्च का ऑफरिंग छूता नहीं हूं, विदेश में जाने से एक पैसा छूता नहीं हूं, फिर कैसा चलता है भैया। मेरी पत्नी मेरे घर की बातों को संभालती है, उसके 31 तारीख दिसंबर को हम बैंक बैलेंस को जीरो कर देते हैं ताकि हम नए विश्वास में आगे बढ़ते जा सकें। मेरा परमेश्वर अभी तक मेरे बातों को देख लिया, मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं गवाही इतना गवाही देते जाऊंगा, लेकिन इतना मैं जानता हूं आज भी अपना प्रथम समय, प्रथम बातें, श्रेष्ठ बातें परमेश्वर के लिए देने के लिए सीखा हूं। परमेश्वर आशीष दे। मैं एक छोटी सी गवाही, जब मैं बिहार आया पैदल गया, क्योंकि 6 महीना में बिहार के अच्छे लोग मेरे कमरा में से सारे सामान ले गए, पहना हुआ कपड़ा को छोड़ के कुछ भी नहीं रहा, इसलिए 6 महीना तक पैदल चलते चलते सेवकाई किया। मैं 6 महीना तक सेवकाई करते करते जब गया था तो लोगों ने देखा, अरे भाई ये तो एक पुराना साइकिल किसी ने दिया, तो एक साइकिल में चला, साइकिल टूट जाता था हमेशा,
और उसके बाद एक आदमी पुराना राजदूत मोटरसाइकिल दिया, उसमें मैं 1,20,000 किलोमीटर चला। तो किसी ने देखा और इनको नया मोटरसाइकिल चाहिए करके नया मोटरसाइकिल खरीद दिया। जब नया मोटरसाइकिल दिया तो मेरा दो भाई लोग उसको ले गए, बंदूकधारियों ने सामने पीछे बंदूक रख के उसके हाथ में से छीन लिया। मैंने कहा परमेश्वर की स्तुति हो, नया मोटरसाइकिल था, बिहार तो अच्छा जगह है, बिना मारे ले जाता बस। आप ज्यादा बोलिएगा तब ना मारेगा। ठीक। तो मैंने मेरा भाई लोग तो एकदम चकमा गया, ना भैया आप प्रेस लड़ कहते हैं, प्रभु ने दिया प्रभु ले लिया, तो छोड़ ले लिया आप ले कहते हैं, प्रभु दिया प्रभु ले लिया। मैंने कहा कि अभी 1.75 और सीसी का मोटरसाइकिल है, अभी परमेश्वर उससे बढ़ा देने वाला है। किसी ने मुझे 2.5 एक मोटरसाइकिल खरीद दिया, अभी रफ्तार से बढ़ो। और एक अफ्रीका से एक मेरा दोस्त आया था, मैंने सामने का चक्का का ब्रेक नहीं पकड़ रहा, थोड़ा सा उसको ठीक करके आओ, इसने जीप में लगाया एकदम सीधा जाके, खून अच्छा से रफ्तार में है, फेंका गया लेकिन सामने के चक्का है ये नहीं है, मोटरसाइकिल बच गया। तो कैसे कैसे तो ना सामने का चक्का हम लगा के चला रहे थे, लेकिन मोटरसाइकिल देखेगा इधर जाएगा इधर। क्योंकि उसका फोर्क जो है थोड़ा सा बेंड हो गया था, मुझे सर्कस करके चलाना पड़ा। एक बार मैं गांव में गया और वहां का बच्चा, अरे छोड़ छोड़ बादल रास्ता छोड़, इसकी घोड़ा कहां देखती है कहां जाती है पता नहीं है, इसकी गाड़ी का हालत ऐसा करके भागने लगे। मुझे बहुत शर्म लगा, मैंने कहा प्रभु आपने घोड़ा दिया और आपने घोड़ा दिया इधर देख के इधर जाएगा तो कौन फिर रास्ता में चलेगा। तो तुरंत उसी महीना में किसी ने अम्बेसडर कार, नया नया गाड़ी को लाके, भैया हमारे लिए काम नहीं है, आप बहुत दौड़ते हैं तो दे दीजिएगा। हालेलुया। तो मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा इसको उठा के, उस बूढ़े पास्टर उनको चलने के लिए ताकत नहीं उनको, दे दो, दे दिया। फिर मैं पैदल चलने लगा, किसी ने देखा अरे आप पैदल चल रहे हैं, तो एक बुलेट मोटरसाइकिल दिया, बुलेट मोटरसाइकिल दिया एकदम, उसमें मैं सेवा करता था। और एक दिन ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मेरे 4 दांत टूट गया। हेलो। किसी ने सुना, अरे बाप रे अगर सिंह जब कुमार का 4 दांत टूट गया है, और इतना एक्सीडेंट हुआ इनका भी, इसलिए उन्होंने 4 व्हील ड्राइव सुसुस की मारुति कर दिया, 4 दांत चले जाने से 4 ड्राइव 4 व्हील ड्राइव मैं कैसे सकता हूँ। तो उसको मैं चला रहा था, किसी दिन मेरे साथ एक भाई थे सेवकाई में, उनका थोड़ा सा एक पैर में कुछ कमजोरी और पोलियो के चलते टेढ़े थे, प्रभु ने दिखाया इसको दे दो, मैं उसको दे दिया। फिर पैदल चलने लगा, बिहार में जाने के लिए दोनों डिब्बा के बीच में जो रेल में उसी में मैं यात्रा करता था। अरे भैया बड़ा साहब है, इंटरनेशनल में मैं घूमता हूँ, दुनिया भर में प्रचार करता हूँ, लेकिन रहे ना रहे मुझे कोई गम नहीं, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। अपने मांगों के लिए परमेश्वर से ही कहूँगा, मैं ऐसे कहते जाऊँगा परमेश्वर देता हूँ इधर, परमेश्वर तो अच्छी गाड़ी देता है, दबा दबा के हिला हिला के देता है, इसलिए जानता हूँ प्रथम और श्रेष्ठ प्रभु के लिए। बगल वाला से बोलिए प्रथम और श्रेष्ठ परमेश्वर के लिए दे दो, तब देख लो प्रभु तुम्हारे लिए क्या प्रबंध करके रखा है। 10 months दे के 90% अपने लिए खर्चा करने वाला को मैं कहूंगा कंजूस। प्रभु ने 100 रुपया दिया, 10 रुपया कमीशन मार रहे हो क्या? उनका 10 रुपया दे के कमीशन मार के 90 रुपया मेरा है छोड़। प्रथम श्रेष्ठ प्रभु के लिए। और हाबिल जाके प्रभु से पूछा था, हे प्रभु आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने एक प्रकाश दिया, इसलिए उसने इसे कहा आप देने के पहले पूछ लो कितना देना है प्रभु, अगर प्रभु कहेगा नहीं देना है नहीं देना। मैं एक छोटी सी गवाही अभी देने के बारे में कहूंगा। मैं चेन्नई जा रहा था, कन्याकुमारी में मुझे मीटिंग थी, चेन्नई ट्रेन में जा रहा था, एक छोटा सा बैग हाथ में रखा था, मैं चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में गाड़ी जैसा गाड़ी घुसी मैं बाहर खड़ा था, कोई देखने वाला है वहाँ, एक परमेश्वर का दास वहाँ मुझे देखे नहीं, उनको मैंने देखा। और प्रभु ने कहा तुम्हारे पास जितनी पैसा है दे दो। मैंने कहा प्रभु
मुझे यहां से फिर कन्याकुमारी के लिए 700 किलोमीटर जाने के लिए पैसा चाहिए। प्रभु ने कहा दो, मेरे पास जितनी पैसा, मैं आपको सच्ची घटना बतला रहा हूं बहन, सच्ची घटना बतला रहा हूं, नहीं जितना पैसा रखा था उस दास मुझे देख नहीं रहा था, मैंने वहां जाके उत्तर के नीचे आया, फिर उसके पकड़ के मैंने उनके हाथ में इसको पैसा दिया, वो पैसा गिन रहा था। मैंने कहा कैसा आदमी है भाई, पैसा कोई दे रहा तुरंत गिन रहा। वो गिनने के बाद खूब फूट फूट के रोने लगा, कहने लगा भैया परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत की नाई भेज दिया है। मैंने पूछा क्या बात है, 6 महीना के पहले मेरी पत्नी मर गई, मैं साधारण एवेंजलिस्ट हूँ, मेरे 2 लड़कियां हैं, 1 5 साल की 1 4 साल की है, और 6 महीना पत्नी के मरने के चलते इन बच्चों को देख, सॉरी 2 साल की है, 5 साल की एक है, 2 साल की है, इन बच्चों को छोड़ के कहीं सेवकाई में नहीं जा पाता हूँ, मेरा घर वाले तो मैं हिंदू परिवार से आने के चलते कोई साथ नहीं दिया है, मैं इस बच्चों को देख के रहता था, इसलिए मेरी सारी कोई आमदनी नहीं, कैसा कैसा था बर्तन वर्तन बेच के जीवन बिता लिया, अभी 6 महीना हो गई मेरी पत्नी मर गए और अभी घर में कुछ भी नहीं है बेचने के लिए। घर मकान मालिक मालिका के कहला बाड़ा ही नहीं देगा, जैसा भाई ने कहा बाड़ा नहीं दोगे तुम्हें उठा के फेंक देंगे रास्ता में। मैं रात भर सोया नहीं, सुबह सोचा आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, प्रभु का सेवक है, मैं एक काम करूंगा मैं कहीं चले जाऊंगा, लेकिन दोनों लड़कियों को तो वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए दोनों लड़की सो रहे थे, सवेरे उठ के मैं रेलवे स्टेशन में आया, पैसा एक भी नहीं है, मैंने सोचा गाड़ी पकड़ के कहीं जाएंगे, कहीं टीटी उतार देगा वहीं पर रहेंगे, मरेंगे जिएंगे बच्चे को कोई देखेगा करके, लेकिन आपको परमेश्वर ने भेजा, 6 महीना का बाड़ा और 1 महीना का खाने के भोजन के प्रबंध के साथ पैसा दिया, इसलिए आप देते ही मैं गिना था कि मेरे लिए पूरा है, हालेलुया। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था मेरे पास पैसा नहीं है उसको ये मालूम नहीं था मैं कैसा जाऊंगा, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म में सीधे 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 धीरे धीरे जा रहा हूँ, प्रभु अभी 700 किलोमीटर यात्रा करना है, पैसा के नहीं है, भाड़ा के लिए पैसा कहाँ से जाएंगे। वहां जाते ही द्वार पर एक आदमी बेंस गाड़ी गाड़ी के साथ खड़ा है और उस वो मुझे जानता, भैया आइए आइए, मेरा दोस्त लोग आए थे, उनको मैं मद्रास घुमाने के लिए कन्याकुमारी से आया बेंस गाड़ी से, अभी मैं सोचा कैसा अकेले लौटेंगे, इसलिए मैं उनको विदा करने के लिए आया, आप मिल गए चलिए मेरी गाड़ी में। मैं वहां से बेंस गाड़ी में 5-स्टार होटल का खाना खाते ही हालेलुया पहुंचने के बाद उसने 2000 रुपया दान भी दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया हूं। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले देने वाला कभी खाली नहीं होता है, हालेलुया। अब प्रभु कहेगा पूरा दे दो, पूरा दे दो, पूरा देने के लिए बोल रहा है पूरा दे दो। मैं अपना प्रभु को जानता हूं, जो मुझे और मेरे साथ लगभग 2500 से अधिक सेवक लोग हैं, 3200 बच्चे हैं, 30,000 बच्चे हमारा स्कूल में हैं, हमारे अस्पताल में 72,000 लोग इलाज प्राप्त करते हैं, इन सारी बातों का संभालने वाला तुम्हें भी संभालेगा, हालेलुया। मेरा प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है, मेरा प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है, मेरा प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ। पादरी साहब ने 10,000 गज के जमीन के लिए, मैं कह रहा हूँ 10,000 लोग बैठने लायक मंडप बनाइए, हालेलुया। आके देखिए बिहार में हम लोग किसी से मांगे भी ना, हम लोग 7,000 लोग आराम से बैठ के आराधना करेंगे, एक ऑडिटोरियम बनाए हैं बिहार धरती में, ये संभव अगर है तो दिल्ली में तो आराम से हो सकता है, हालेलुया। लेकिन बगल वाला का हाथ पकड़े, कुंजी आप ही के हाथ में, बोलिए बोलिए कुंजी आप ही के हाथ में, प्रभु जो देने के लिए कहेगा दे दो, प्रभु देने के लिए कहेगा, अगर गाड़ी से आए गाड़ी देने के लिए बोल दिया दे के चलिए जाइए पैदल जाइए कोई बात नहीं है, हालेलुया, क्योंकि आपके दान के ऊपर परमेश्वर गवाही देने के लिए चाहता है, हालेलुया। बगल वाला का हाथ पकड़ेगा, अच्छा से हिला के बोला, आपके जीवन के बारे में गवाही देने के लिए चाहता है और दान के बारे में गवाही देने के लिए चाहता है, हालेलुया। एक और बात को कहकर मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय का 22वां पद को पढ़िएगा, उसके बाद 36 पद को पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 22 पद को पहले पढ़िएगा,
फिर 36 पद का पढ़िएगा। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अभी 36 पद को पढ़िएगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। बस परमेश्वर तुम्हारी गवाही तुम्हारी सेवकाई के बारे में देने के लिए चाहता है, ये नहीं केवल पादरी लोग सेवा करें। ये बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, हेलो पूरा कीजिए वचन को, मेरे पीछे हो लो मैं तुम्हें मनुष्यों को, बगल वाला का हाथ पकड़ के उनका चेहरा देख के बोलिएगा, पूछेगा बगल वाला का हाथ पकड़ के उनका चेहरा देखे, आप यीशु मसीह के पीछे चले हैं ना, कितने लोगों को पकड़े। हेलो कितने लोगों को पकड़े हैं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा यीशु मसीह के पीछे हो लो मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा ना, पूंजीपति बनाऊंगा ना। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु आपसे मुझसे ये पूछने के लिए चाहता है, तुम मेरे लिए क्या सेवा करते हो? क्या तुम्हारे सेवकाई के बारे में, परमेश्वर सेवक लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, एक एक विश्वासी। मैंने कहा था मेरी आखिरी बेटी जब जिसका एक हाथ नहीं है, 4 साल में जब मैंने उसको स्कूल भेजा था, अपने ही स्कूल था, स्कूल में विदा किया, पहले दिन नर्सरी क्लास में जा रही है, शाम के वक्त में एक और लड़की के लिए आई, पापा पापा इसको भी यीशु चाहिए कहती है, प्रार्थना कीजिएगा। मैंने कहा अरे क्या हुआ, सुनिएगा, 4 साल की है। वो कहने लगी पापा मैं जब क्लास में बैठी थी ना, ये बगल में बैठी थी, उससे पूछी तुम्हारा हाथ का क्या होगा, क्या हुआ है? मैंने कहा कुत्ता खा लिया। अरे कुत्ता खा लिया, तुम्हारी मां क्या कर रही थी? मेरी मां ही फेंकी थी। चिंता मत करो, मेरी बेटी कहने चिंता मत करो, अभी तो अच्छे माँ बाप मिल गए हैं, उससे अच्छा अच्छा बाप मिल गया है, स्वर्गीय बाप मिल गया है। तो लड़की रोते हुए कहने लगी मेरी माँ की मृत्यु 3 महीना के पहले हुई, 4 महीना के पहले। 2 महीने के बाद मेरा पापा ने दूसरा शादी किया है, वो नया औरत मुझे मारती है, उसे पसंद नहीं करती है, इतनी मारती है, उसका एक छोटा बच्चा होने पर है बोल रही है, इसलिए मुझे काम करना है। मैं जब मन नहीं मन करता है, करने की ताकत नहीं है, सवेरे उठा के 4 बजे उठा के खूब मारती है, क्या यीशु पापा मुझे भी एक नया माँ देगा करके पूछती थी। मेरी बेटी ने यीशु मसीह के प्रेम को बता के वो यीशु से मैं प्रार्थना करने के लिए चाहती हूँ, तुम्हारा पापा के पास ले आओ। हाथ नहीं रहने के कारण उसी का इस्तेमाल करके अपने संग बैठने वाली लड़की को ले आके कह रही है इसको यीशु चाहिए पापा, प्रार्थना कीजिए। आपको परमेश्वर ने बढ़ाया, आपको परमेश्वर ने ऊंच स्थान में रखा, आपको परमेश्वर ने बहुत बड़ा अच्छे खुशी से बढ़ाया है। कितने लोगों को आप प्रभु अपने मोहल्ला में अपने परिवार में प्रभु के पास लाने के लिए कोशिश करते हैं, कितने लोगों को आप प्रभु में लाए हैं। मैं फिर कहने के लिए चाहता हूँ आपका जीवन के बारे में परमेश्वर गवाही देने के लिए चाहता है, आपके दान के बारे में परमेश्वर गवाही देने के लिए चाहता है, आपकी सेवा जो उसके लिए करते हैं उसके बारे में परमेश्वर गवाही देने के लिए चाहता है। हेनोक उठा लिए जाने के पहले परमेश्वर से उसको गवाही मिली ये मेरे प्रसन्न योग्य है। इस सुबह का समय मैं आज से आग्रह करूंगा, हे प्रभु तेरे आगमन के लिए हम इंतजार करते हैं, लेकिन उसके पहले तुझसे हमें गवाही चाहिए,
मुझको गवाह मेरे ऊपर तेरे गवाही होने के लिए, मैं इन तीनों बातों में तेरा प्रसन्न योग्य जीवन बिताने के लिए मुझे साहस दे, हिम्मत दे, लालसा दे करके कहने वाले सारे लोग अपने आंखों को बंद करें। आप अगर कहेंगे भाई जी आपका वचन परमेश्वर के वचन के आधारित है, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे देने के द्वारा, मेरे लोगों को आकर्षित करने के द्वारा मैं परमेश्वर का प्रसन्न योग्य जीवन बिताने के लिए अपने को सौंपती हूँ, सौंपता हूँ करके कहने वाला, अब अपना दाहिना हाथ को उठा के दिखाइए, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूँ। आप सब कोई अपने हाथों को उठाए हैं, परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, अब सब कोई खड़े हो जाए हैं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, उस गीत की एक अंतरा का प्रार्थना के रूप में दोनों हाथों को उठा के गाए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरे होने का आवश्यकता है। तेरी इच्छा पूरी हो जा प्रभु, ए तेरी इच्छा मेरे जीवन में, अपने मन से मैं चलते रहा लेकिन अभी आज से लेकर तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी वचन के अनुसार अपने को संपूर्ण तौर से सौंपता हूँ करके अपने को सौंपते हुए इस गीत को अर्पण था कि इस गीत को गाएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं, मेरे कुम्हार तू मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना मुझको डा, मेरा कुम्हार तू मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना मुझको डा, अपनी मर्जी से चलता रहा तुझको कभी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, मेरा कुम्हार तू मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना मुझको डा। पिताजी तेरे वचन को तेरे लोगों के सामने मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करके रखा, तेरे लोग भी प्रभु इसका संपूर्ण तव अपने हृदय से ग्रहण किए हैं, उन्हें ताकत मिलने पाए, उनके एक नबी अभिषेक मिलने पाए, इसके अनुसार चलने के लिए, आत्मा से नियंत्रित जीवन करने के लिए उनके अंदर एक अभिषेक का तेल उंडेलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जब तेरे आगमन की इंतजार करते हैं, तेरी दया इनके जीवन में लगातार होते रहने पाए, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।